नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव पांडे आपके अपने ऑनलाइन संस्था टारगेट विथ आलोक में आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, अपनी सेहत का ध्यान रख रहे होंगे, ठीक अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। लास्ट क्लास में हमने जैसे आपको एक मूल्यांकन बताया था, एक टैक्टिस बताई थी कि किस प्रकार से सवाल पूछा जा रहा है और किस प्रकार से सवाल पूछा जाता है। आप लोग का जो एक अवधारणा थी आधुनिक को लेकर, वो चीजें क्लियर हो गई होंगी कि आधुनिक से ज्यादा सवाल आपके जो है वो प्राचीन से पूछे जाते हैं। इसीलिए प्राचीन को हमें और अच्छे से पढ़ना तो सभी अच्छे से हैं, लेकिन प्राचीन से सवालों की संख्या ज्यादा है। ठीक, क्योंकि अब मुझे जो निष्कर्ष ये लगता है कि जो हमारा इतिहास है, जो हमारी संस्कृति है, वो हमें प्राचीन भारत में ही मिलती है। चूंकि आप टीचर बनेंगे, ठीक है, इसीलिए आपको आपकी प्राचीनतम संस्कृति से परिचित कराने के लिए शायद वो सवाल ज्यादा पूछते हैं, ऐसा मेरी अवधारणा है। ऐसा हो भी नहीं सकता या हो भी सकता है। और आधुनिक और मध्य से सवाल के रेशियो बदलते रहते हैं। ठीक, तो अगर क्लास की या भारत के इतिहास की शुरुआत की जाए तो भारत के एकदम, देखिए दोस्तों, मैं एक एक पॉइंट आपको लिखूंगा, आप एक एक पॉइंट मेरे साथ लिखते चलिएगा। ठीक, मैं एक एक चीज आपको एक्सप्लेन करूंगा, जहां आपको समझ में नहीं आएगा आप कमेंट ड्रॉप कर दीजिएगा, मैं दूसरे दिन क्लियर कर दूंगा। और नोट्स प्लीज मेरे साथ बनाइएगा, 300 पेज की 3 स्पाइरल बाइंडिंग खरीद लीजिएगा, एक प्राचीन के लिए, एक मध्य के लिए, एक आधुनिक के लिए। और सबसे बेस्ट तरीका यही है कि अगर आप मेरे साथ नोट्स बनाते जाएंगे तो आपकी चीजें क्लियर होती जाएंगी। और हर टॉपिक के बाद क्वेश्चन को प्रैक्टिस कराने की जिम्मेदारी मेरी है। बैच खत्म होते होते मैं आपको लगभग 1200 से 1400 क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दूंगा, ये मेरी आपका से वादा है। क्योंकि मैं टीजीटी पीएचडी के लिए रिस्क नहीं लेना चाहता हूं और मैं जितना क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराऊंगा आपके कॉन्सेप्ट उतने ही क्लियर होंगे। तो आते हैं टॉपिक पे। भारत में जो इतिहास की शुरुआत होती है वो पाषाण काल से मानी जाती है। पाषाण काल, पाषाण माने पत्थर, काल माने समय, आप जानते होंगे। तो पाषाण काल नाम क्यों दिया गया, सबसे पहला सवाल ये उठता है। और दूसरा सबसे पहला सवाल उठता है कि सर अगर पाषाण काल आया तो आया, ये मनुष्य के बिना कैसे किसी काल की शुरुआत हो सकती है। लेकिन मनुष्य के बिना भी कई सारे काल की शुरुआत होती है। मुद्दा क्या है कि जो हमारा उदय हुआ है, हम मनुष्य का, वो प्राइमेट्स से हुआ है, जिसके साक्ष सबसे पहले अफ्रीका में पाए गए। प्राइमेट्स क्या है समझने का प्रयास करिएगा। देखिए, इतिहास को मैं आपको पिक्चर से रिप्रेजेंट करूंगा, पूरा हिस्ट्री ऐसे ही इमेज के साथ पढ़ाऊंगा। प्राइमेट्स जो होते हैं, जिसमें बड़मानुस, चिंपांजी, लंगूर, ये तमाम लोग आते हैं। आप इमेज में देखिए प्राइमेट्स कैसे कैसे मनुष्य का विकास हो रहा है, ठीक है, कैसे इसमें मनुष्य का विकास हो रहा है, इसको आप देखते रहिए। ठीक है, यहां देखिए, तो मनुष्य का जो विकास हो रहा है, आप देखिए, जो मनुष्य का विकास हो रहा है वो प्राइमेट से हुआ है। किससे? प्राइमेट्स, ठीक, जिनको हम लंगूर, बड़मानुस, वन मानव, कई चीजों के नाम से जानते हैं। ये जो प्राइमेट्स के साक्ष मिले, ये सबसे पहले जो मिले अफ्रीका में मिले। भारत में भी नहीं आ रहा हूं, भारत में आऊंगा, थोड़ी देर बाद आऊंगा, रामाफिथिक्स जो चीजें पाई गई। तो आपको देखिए, आपको एक चीज बता देता हूं, आपको पढ़ना है, समझना है, आंसर करना है बस। तो मनुष्य के विकास प्राइमेट से हुए, ऐसे जो साक्ष मिले थे वो अफ्रीका से पाए गए थे, ठीक। लेकिन कहा जाता है कि लगभग जो मानव का उदय हुआ है वो 2.5 लाख ईसा पूर्व से हुआ है, मानव का जो विकास माना जाता है। क्योंकि भारत में भी जो होमो सेपियंस का उदय माना जाएगा वो किससे माना जाता है, उच्च पुरापाषाण काल से। पाषाण काल को 3 भागों में करते हैं, ठीक है, किसने, पुरापाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। और पुरापाषाण को भी 3 भागों में करते हैं, निम्न पुरापाषाण, मध्य पुरापाषाण और उच्च पुरापाषाण, सारी चीजें पढ़ाऊंगा। तो मानव का भी जो, मतलब होमो सेपियंस, मतलब हम, हमारा जो उदय माना जाता है वो उच्च पुरापाषाण काल से माना जाता है। लेकिन ये बात फैक्ट है कि 2.5 लाख ईसा पूर्व पहले मनुष्य का उद्भव हुआ। और यहीं पर एक चीज कट कर देती है कि महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान पर मानव के कुछ जीवाश्म पाए गए हैं, जिसमें ये पता चलता है कि ये जो जीवाश्म है ये लगभग 14 लाख ईसा पूर्व पुराने हैं। मानते हैं कि इसमें और शोध किया जा रहा है, इस पे और जांच पड़ताल करने की आवश्यकता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि, देखिए पॉइंट्स को समझिए, हर पॉइंट से सवाल आते हैं। मनुष्य का जो उदय हुआ है, ठीक है, हर एक चीज में आपको लिखते चलूंगा,
मनुष्य का उदय प्राइमेट से माना जाता है, ठीक, प्राइमेट्स वर्मानो जो मैंने आपको समझाया। उसके बाद मानव का विकास लगभग 2.5 लाख ईसा पूर्व से माना जाता है। कितना? 2.5 लाख। कई लोग होंगे जो इसका नोट्स बनाएंगे वो लेंदी लिखेंगे, आप लेंदी मत लिखिएगा, आप पॉइंट वाइज मेरे साथ नोट्स बनाइएगा और जो सवाल जैसे पूछे जाएंगे पॉइंट्स को कंबाइंड करके वो चीजें मैं आपको समझाता हूं। लेकिन इन्हीं बातों में जो 2.5 लाख साल पहले माना गया कि मानव का विकास हुआ, इसी में एक अपवाद निकल कर आया। जो ये पूछा गया सवाल है, महाराष्ट्र के बोरीवाल, आपके पास एक ही सॉल्व पेपर आता है आपके टीएचटी पीएचटी का, लॉ मेंस टू लॉ मेंस का, ठीक है, तो उसमें आपको ये सवाल मिलेगा भी। तो इसमें जो अपवाद माना गया वो अपवाद क्या माना गया, कैसे माना गया कि महाराष्ट्र के, समझिएगा, महाराष्ट्र के बोरी नामक स्थान से, कहां से, बोरी नामक स्थान से लगभग 14 लाख, ठीक है, 14 लाख ईसा पूर्व के मानव के साक्ष्य पाए गए, ठीक, इस पर अभी और शोध किया जा रहा है। ये 3 पॉइंट लिखिए, फिर आगे आपको बताता हूं, पूरा एकदम कनेक्ट करके आपको समझाता हूं। यहां पर एक वर्ड आ रहा है कि साक्ष्य पाए गए, ठीक, साक्ष्य के आधार पर हम पाषाण काल या पाषाण जो पत्थरों का समय है उनका विभाजन करते हैं। एकदम ध्यान से लेकर सुनिएगा, आराम से पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। तो हम वहां पर रेडियो कार्बन डेटिंग करते हैं जिसमें C14 का प्रयोग होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग को हम आधार बनाकर क्या करते हैं, चीजों की आयु का निर्धारित करते हैं, आयु। अब आप कहेंगे सर ऐसा क्यों कर सकते हैं, हम पढ़ भी तो सकते हैं। यही सबसे बड़ी खास बात है कि जब मानव का विकास हुआ ही नहीं तो मानव लिखेगा पढ़ेगा कैसे। तो इतिहास को 3 युग में बांटते हैं, प्रागैतिहासिक, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। प्रागैतिहासिक युग जो होता है वो ऐसा युग है जिसमें मानव का विकास तो हुआ, मानव ने औजारों का आविष्कार किया, आग का आविष्कार किया, लेकिन मानव को लिखना पढ़ना नहीं आता था। अगर मानव को लिखना पढ़ना नहीं आ रहा है तो उस समय की जो हम आयु, उस समय की बातों को जो हम निर्धारित करेंगे वो किसके द्वारा करेंगे, बिल्कुल सही, रेडियो कार्बन डेटिंग के द्वारा। तो सबसे पहले क्या हुआ कि औजारों को आधार बनाकर, जैसे मान लीजिए कि कभी कभार कोई बॉडी होती है जल जाती है, ठीक है, कोई नहीं मिलता, तो वो हाथ में बॉडी या बॉडी के गले में कोई चैन हो या हाथ में कोई कड़ा हो, ब्रेसलेट हो, तो उसको आधार बना के निकालते हैं कि ये इस व्यक्ति का है, इस व्यक्ति की मृत्यु हुई है। सेम चीज को यहां अप्लाई करिए। तो मानव का विकास हुआ नहीं है, मानव उतना आधुनिकता से परिचित नहीं है, लिखना पढ़ना जान ही नहीं रहा है, लेकिन वो औजारों का डेवलप कर रहा है। तो पहली बार क्या हुआ कि डेनमार्क के जो संग्रहालय के अध्यक्ष थे टॉमसन जी, उन्होंने 1816 में पहली बार खोजे गए, विश्व की बात कर रहा हूं, भारत के नहीं, विश्व में खोजे गए औजारों को आधार बनाकर टॉमसन जी ने मानव के युग को 3 युग में बांटा, पाषाण युग, ताम्र युग और लौह युग, ठीक। सीजे टॉमसन जी थे जिन्होंने 1816 में इसको आधार बनाया। तो हमने क्या कहा आपसे कि मानव के द्वारा उपयोग में लाए गए औजारों को, लाए गए औजारों को आधार बनाकर, क्या, औजारों को आधार बनाकर सीजे टॉमसन ने
1816 में डेनमार्क के थे ये, ठीक है। डेनमार्क में जो संग्रहालय है, म्यूजियम, ठीक है, डेनमार्क संग्रहालय के अध्यक्ष थे, ठीक है। डेनमार्क संग्रहालय के अध्यक्ष थे, ठीक, बात समझिएगा। तो मानव के द्वारा उपयोग में लाए गए औजारों को आधार बनाकर सीजे थॉमसन ने, विश्व की बात कर रहा हूं यहां पर, अगर कहें तो आप ऐड कर देता हूं, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि भारत की बात हो रही है। तो विश्व में मानव के द्वारा उपयोग में लाए गए, मैं चाहता हूं इस क्लास में याद हो जाए, विश्व में मानव के द्वारा उपयोग में लाए गए औजारों को आधार बनाकर सीजे थॉमसन ने, जो कि डेनमार्क के संग्रहालय के अध्यक्ष थे, सीजे थॉमसन ने 1816 में, ठीक, तीन युगों का आधार बनाया। पहली बार इन्होंने कहा केवल तीन युग थे, वो कौन कौन से थे? पाषाण युग, मतलब जब पत्थर का प्रयोग हुआ, ताम्र युग, मतलब जब तांबे का प्रयोग हुआ, और तीसरा लौह युग, ठीक। तो सबसे पहले इतिहास को तीन भागों में बांटा गया, पाषाण जब औजारों को आधार बनाकर, भाई पत्थरों का औजार, तांबे का औजार, लोहे का औजार, मतलब पाषाण युग, ताम्र युग और लौह युग। लेकिन आगे चल के इनकी बातों को झुठला दिया गया, ये कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। अच्छा, इसको लिख लीजिए पहले, तब मैं आगे बताता हूं आपको। क्या हुआ, किनकी बातों को झुठलाया कैसे गया, कि जो विश्व में पहली बार प्रागैतिहासिक चीजों की खोज हुई, प्रागैतिहासिक चीजों की जो खोज का प्रारंभ हुआ वो यूरोप में हुआ, विशेषकर फ्रांस में। फ्रांस में क्या हुआ कि लगभग 1865 में जॉन लुबॉक थे, जॉन लुबॉक ने कहा कि नहीं नहीं, ये बात गलत है, ऐसा नहीं हो सकता है। जॉन लुबॉक ने जब चीजों को खोजा, संग्रहालय में चीजों को देखा, तो चीजों को देखने के बाद उन्होंने इस बात को आधार बनाया कि नहीं, विश्व में मानव के द्वारा जो पत्थरों के औजार प्रयोग में लाए गए, उनको हम इन तीन युग में नहीं, दो युग में बांट सकते हैं, एक पूरा पाषाण काल और एक नवपाषाण काल। देखिए इतिहास में कैसे मतभेद होते हैं, बात समझिएगा। हमने क्या कहा कि 1865 में जॉन लुबॉक ने, याद रखिएगा इन सब नामों को पूछा जाता है, विश्व में जब प्रागैतिहासिक अनुसंधान की शुरुआत हुई, तो इन्होंने कहा, साथ में लिखते चले गए इसलिए आप लिखना, तो इन्होंने कहा कि युग को, मतलब पाषाण युग को, दो भागों में बांटते हैं, पूरा पाषाण और दूसरा था नवपाषाण, ठीक। मतलब तीन से कितने में आ गया, दो युग में आ गया, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि पहली बार 1887 में पूरा पाषाण और नवपाषाण के बीच में भी एक चीज को खोजा गया, देखा गया कि बड़े औजार के बाद कुछ छोटे औजार रखे गए और फिर उसके बाद और ही विकसित औजार रखे गए। तो जो बड़ा औजार है वो पाषाण काल का होगा, पूरा पाषाण काल का, जो छोटे औजार होंगे या बीच के जो औजार हैं वो मध्य पाषाण के होंगे,
और जो नवीन रूप से औजार बनाए गए वो कैसे होंगे, नौपाषाण। तो 1800 ठीक कब ने कहा, 1887 में फ्रांस के संग्रहालय में खोजे गए औजारों को आधार बनाकर पाषाण काल को तीन भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नौपाषाण। क्लियर? इतनी बातों को लिखिए फटाक से। अब ये तीन चीजें हो गई, तीन काल आ गए। क्या हुआ? विश्व में पहली चीजें हुई कि जब टॉमसन जी ने तीन युग को बांटा, पाषाण युग, ताम्र पाषाण युग और लौह युग। उसके बाद क्या हुआ? जॉन लुबॉक ने नौ पाषाण और पूरा पाषाण किया। फिर 1887 में संग्रहालय में ऐसी चीजें पाई गई जैसे औजार थे, देखिए कैसे थे, यहां समझिए, देखिए बड़े औजार ठीक, फिर छोटे औजार हैं, फिर औजारों को देखिए एक शेप और साइज दिया गया है। यहां देखिए इसी हिसाब से इन औजारों जो ये जो औजार पाए गए हैं, इन्हीं औजारों को आधार बनाकर हम अपने प्रागैतिहासिक युग को दो भागों में बांटे हैं, पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। ठीक, और उसमें पाषाण काल को हम तीन भागों में बांट रहे हैं, पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नौपाषाण, इन्हीं औजारों की खोज के आधार पर। तो अब जब ये सारी चीजें कंफर्म हो गई हमारी, तो अब ये हुआ कि अब बात करते हैं भारत के इतिहास की। भाई भारत में भी तो खोजा जाएगा, भाई भारत में जब तक खोजा ही नहीं जाएगा तो भारत के इतिहास का पहला चैप्टर पाषाण काल बनेगा कैसे? तो 1863 में, सॉरी 1863 में रॉबर्ट ब्रूस फुट, जिन्हें भारत में प्रागैतिहासिक का जनक कहा जाता है, वैसे पुरातत्व विभाग का जनक तो अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है, लेकिन भारत में प्रागैतिहासिक सर्वेक्षण का जो जनक कहा जाता है वो रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा जाता है। 1863 में क्या हुआ कि रॉबर्ट ब्रूस फुट ने चेन्नई के पल्लवरम नामक स्थान से एक हस्तकुठार खोजा, हैंड एक्स, कहीं कहीं क्लीवेज भी मिला होता है, कंफ्यूज मत होइएगा। उसको जब उन्होंने खोजा और उसके बाद धीरे धीरे वहां पर और खुदाई चालू हुई तो वहां से क्लीवेज मिलने लगा, फलक मिलने लगा, हैंड एक्स मिलने लगा, तमाम चीजें मिलने लगी। तो भारत में सबसे पहले जो प्रागैतिहासिक खोज हुई या प्रागैतिहासिक काल का जनक जिसको माना गया वो रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना गया, क्योंकि उन्होंने 1863 में पल्लवरम नामक स्थान से सबसे पहले किसका, हस्तकुठार का क्या किया था, खोज किया था। ठीक, तो याद रखिएगा ये सवाल आपको कई बार पूछा गया है। तो भारत में पाषाण काल के खोज का श्रेय
रॉबर्ट ब्रूस फुट को जाता है जिन्होंने 1863 में चेन्नई में पल्लवरम नामक स्थान से क्लीवर खोजा था और इसके बाद हैंड एक्स वगैरह ये सब खोजा जाने लगा। क्योंकि सबसे पहले रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ने खोजा था, यही कारण है कि भारत में प्रागैतिहासिक काल का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को माना जाता है। लेकिन भारत में पुरातत्व विभाग का पिता अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है। क्लियर, लिखे इतनी बातें। चलिए, लेकिन भारत में तो खोजा जा रहा है, लेकिन इसकी प्रतिष्ठा भी होनी चाहिए भाई। अगर मैं आपको बैच पढ़ा रहा हूं तो बैच पढ़ाने या पढ़ने में बहादुरी नहीं है। आप जब सिलेक्शन पाएंगे तो आपकी प्रतिष्ठा के साथ साथ संस्था की प्रतिष्ठा और मेरी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। भारत के प्रागैतिहासिक को विश्व में प्रतिष्ठा जो दिलाई गई, वो दिलाने का श्रेय मार्टिन मार्टिन व्हीलर को जाता है। मार्टिन व्हीलर ने क्या किया था, 1940 में प्रागैतिहासिक से जुड़े हुए कई सारे अनुसंधान की खोज की थी। लेकिन जो भारत में प्रागैतिहासिक काल पर सबसे पहले लिखी गई पुस्तक है, वो स्टुअर्ट पिगट द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्रीहिस्टोरिक इंडिया, जिसे 1950 में प्रकाशित किया गया। सवाल कैसे पूछ सकता है आपको कि निम्न मत से प्रागैतिहासिक काल से कौन कौन जुड़े हैं? ऑप्शन में दे दिया रॉबर्ट ब्रूस फुट, या वैसे पूछ देगा कि भारत के पाषाण काल के संबंध में या भारत में या भारत के प्रागैतिहासिक काल के संबंध में निम्न में से कौन कौन जुड़े हैं? ऑप्शन दे दिया रॉबर्ट ब्रूस फुट, ठीक है, स्टुअर्ट पिगट, मार्टिमल व्हीलर, तो ये तीनों आपके आंसर आएंगे। भारत में जरूर प्रागैतिहासिक खोज का जनक रॉबर्ट ब्रूस फुट को कहा गया, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले खोजा। लेकिन उसको प्रतिष्ठा, उस खोज को, उस भारत के उस प्रागैतिहासिक काल को इस विश्व में प्रतिष्ठा दिलाने का जो श्रेय गया, वो मार्टिमल व्हीलर को गया। और इस भारत में जो एक प्रागैतिहासिक खोज हुई, प्रागैतिहासिक, इसके ऊपर एक पुस्तक लिखे स्टुअर्ट पिगट ने, जिसका प्रकाशन 1950 में प्रीहिस्टोरिक इंडिया के नाम से हुआ था, जिससे विश्व के सभी लोग ये जानने लगे कि ये जो प्रागैतिहासिक काल है, ये केवल और दूसरी जगह नहीं, भारत में भी पाया गया, और भारत में एक बड़े पैमाने से पाया गया। इन्हीं सब चीजों को बात कैसे हुआ कि एक भारत में पुरातत्व विभाग का गठन हुआ। 1865 में भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की बात कही गई, और वो प्रस्ताव जो हुआ वो लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में 1904 में पारित हुआ, जिसका मुख्यालय कहां पर है, दिल्ली में। जब तक भारत में पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग नहीं होगा, तब तक हम हिस्ट्री वाली चीजें या प्राचीन चीजों को खोजेंगे कैसे? तो हमने क्या कहा कि भारत के प्रागैतिहासिक काल को विश्व में
प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय मार्टिमर व्हीलर को जाता है, ठीक। और दूसरा पॉइंट मैंने क्या कहा, 1950 में स्टुअर्ट पिगट द्वारा भारत की भारत के प्रागैतिहासिक इतिहास पर सर्वप्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई और इस पुस्तक का नाम था प्री हिस्टोरिक इंडिया। क्या नाम था? प्री हिस्टोरिक इंडिया नामक पुस्तक स्टुअर्ट पिगट द्वारा प्रकाशित हुई, जो कि भारत में प्रागैतिहासिक काल की क्या कहती हैं, बातें कहती हैं। इसके बाद मैंने क्या कहा कि भारत में प्रथम पुरातत्व विभाग की स्थापना ६८६५ में की गई और कर्जन के शासनकाल में एक अधिनियम आया था और उस अधिनियम के तहत 1904 में इसे पारित करके मूल रूप दिया गया। और इसका जो मुख्यालय है पुरातत्व विभाग का, वो कहां पर है? इसका मुख्यालय दिल्ली में। सारी चीजें हो गई, पत्थरों के औजार को आधार बनाकर पहले कितने भागों में बांटा गया, फिर उसके बाद फिर उन भागों को सुधारा गया, फिर पाषाण काल में तीन भाग लाए गए, फिर भारत में प्रागैतिहासिक खोज के जनक का नाम दिया गया, फिर उसके बाद भारत को विश्व में प्रसिद्धि दिलाने का श्रेय मार्टिमर व्हीलर ने किया, फिर भारत के प्रागैतिहासिक पर किताब किसने प्रकाशित की वो भी दिया गया। तो ये तमाम चीजें जब हो गई और पुरातत्व विभाग की स्थापना हो गई तो हम अपने टॉपिक की शुरुआत कर सकते हैं। वो टॉपिक क्या है? पाषाण काल। चलिए इसको लिखिए। चलिए तो हमारे जिस टॉपिक की शुरुआत होती है वो टॉपिक क्या है? पाषाण काल। इसको कितने भागों में बांटा गया? तीन भागों में। पूरा पाषाण, मध्य पाषाण और नवपाषाण। देखिए यहां पर बात समझिएगा, डेट मुझे पता है कि ये 10 लाख ईसा पूर्व से इतना है, डेट मत लिखिए, डेट आपके लिए जरूरी नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, एक अच्छा विद्यार्थी वो नहीं होता जो सारी चीजें पढ़ता है, एक अच्छा विद्यार्थी वो होता है जिसे ये पता है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। और उसमें पूरा पाषाण को हम तीन भागों में बांटते हैं, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण
और उच्चपुरा पाषाण। यह है आपके पाषाण काल का विभाजन, ठीक है। और इसमें जो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो किसके बारे में पढ़ेंगे, निम्नपुरा पाषाण। लेकिन यहां सबसे बड़ी बात आती है कि ये पूरा पाषाण काल था क्या? मानव का विकास तो था नहीं, मानव का विकास जाकर होगा यहां पर होमोसेपियंस का। ये जो पूरा पाषाण था ये हिम युग में था। इस जो पृथ्वी का जो डेवलपमेंट हुआ है, ठीक है, मतलब पूरा एक वो था, एक आइलैंड था पेंजिया, जिसमें अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड था, बीच में टेथिस सागर बहता था। फिर धीरे 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 इनके छोटे छोटे देश में टुकड़े में बढ़ते गए, तमाम चीज़ें होती गई, तो उसमें कई सारे युग आए थे, कार्बनीफेरस, डिक्लाइन, ठीक है, डायनासोरस। तो उसमें एक युग था हिम युग। शब्द आ रहा है हिम युग। हिम युग कहने का मतलब बर्फ। संपूर्ण पृथ्वी जो थी, एकदम समझिए कि एकदम हम हिम युग में है, समझिएगा, संपूर्ण पृथ्वी जो थी वो बर्फ से ढकी हुई थी पूरी की पूरी। और धीरे धीरे क्या हुआ कि जब ऋतु में परिवर्तन होने लगा, मतलब मौसम में, तो बर्फ पिघलने लगी और नदी की धाराएं बहने लगी। हरिद्वार कभी नहाने गए होंगे, अगर आप नहीं गए होंगे तो जाइएगा। जब हरिद्वार में आप नहा के नहाते हैं तो नीचे बहुत सारे पत्थर रहते हैं जिनको हम शिवलिंग के रूप में निकालते हैं, गोला गोला पत्थर। वो पत्थर ना इस प्रकृति की बहाव से बनते हैं रगड़ खाके। तो हिम युग में क्या हुआ दोस्तों कि जब हिम युग था तो उस समय जब वातावरण या ऋतु चेंज हुई तो जो नदियां, जो बर्फ थे वो पिघल कर नदियां बनने लगी, और नदियों के बहाव के साथ साथ कई सारे पत्थर आने लगे, और वो पत्थर घिसते 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 नुकीले होते गए, जिनका प्रयोग औजार के रूप में किया जाने लगा। और ये ज्यादातर क्वार्टाइज पत्थर होते थे, ये आपको पता है। या आप कभी जाइए नहाने तो आपको देखेंगे कि नीचे नहा रहे हैं, पत्थर से छिल गया है पैर, चोट लग गई है। या समुद्र के किनारे पत्थर रखे रहते हैं, आप देखेंगे बहुत जल्दी पैर में चोट लग जाती है, उसे कट जाता है पूरा। तो ये जो बनता है ये नेचुरल रूप में बनता है, और मनुष्य उसी प्रकृति का इस्तेमाल, उसी पत्थर को एक औजार के रूप में इस्तेमाल पहले करना स्टार्ट कर दिया। मुद्दा यह हुआ कि अब देखिए नदी से औजार, पत्थर रगड़ रगड़ के क्या बन रहे हैं, औजार बन रहे हैं। जब ये औजार बन रहे हैं तो ये औजार नुकीले भी हो रहे हैं, और इनका प्रयोग मनुष्य करेगा। हिम युग है, हिम युग, इस समय कृषि के कोई भी अवधारणा नहीं कर सकते। अगर कृषि नहीं हो रही है तो लॉजिक सी बात है मनुष्य किस पर निर्भर करेगा, मांस पर निर्भर करेगा। अगर एकदम पॉइंट वाइज चलिए दोस्तों, मांस पर निर्भर करेगा तो जाहिर सी बात है वो मांस के लिए क्या करेगा, शिकार करेगा, और शिकार एक जगह उसके स्थायित्व तो नहीं होते भाई। जैसे मान लीजिए कि यहां समझिएगा कि जैसे मान लीजिए कि ये है, मान लीजिए ए एक जगह है, बी एक जगह है, सी एक जगह है। पूरी थ्योरी पढ़ाएंगे दोस्तों, मुझे ये नहीं पता, मैंने तो अभी तक जितने लोगों को देखा टीएसटी पीएसटी में वो लोग क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराते हैं, लेकिन वो बड़ी बात नहीं, थ्योरी को पढ़िए फिर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराएंगे। मान लीजिए यहां पर जानवर मौजूद है, तो मनुष्य यहां पर है, शिकार किया, जानवर खत्म, तो उसको तो भूख लगेगी, उस भूख की तलाश में वो आगे बढ़ेगा, यहां आया, यहां पर शिकार किया, यहां पर भी खत्म, ऐसे करता था। तो यहां से ये निष्कर्ष निकला कि जो मानव, ये पाषाणकालीन मानव थे, इनका कोई भी स्थायी निवास नहीं था। जब स्थायी निवास नहीं होगा तो हमें इनके साक्ष्य भी नहीं मिलेंगे। तो जब इनका कोई भी स्थायी निवास नहीं था और इनके कोई भी साक्ष्य नहीं थे, यही कारण है कि मानव के साक्ष्य पूरा पाषाण काल से या पाषाण काल से ज्यादा नहीं पाए जाते। और ये भाई, ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के हैं, किस पे निर्भर करते थे, मांस और कंदफूल पर। तो आपको कभी भी सवाल पूछ दिया गया कि पाषाण काल मानव किस पर निर्भर करता था, तो शिकार और कंदमूल फल पर। ये आपको ऐसे पॉइंट दे दिया गया कि पूरा पाषाण काल के बारे में निम्न व्यातों की व्याख्या है, कौन सा सही कौन सा गलत है। ये घुमक्कड़ प्रवृत्ति के थे, ये शिकार पर निर्भर करते थे, ये कंदफूल पर निर्भर करते, इनका स्थायी निवास था। तो चौथा पॉइंट आपका गलत हो गया, इनका स्थायी निवास नहीं था। तो यही था मेन मुद्दा पाषाण काल का कि हिमयुगीन काल था, जब बर्फ पिघलने लगी, नदियां आने लगी, नदियों के साथ साथ पहाड़ों के छोटे छोटे पत्थर कट के आने लगे। आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले इमेज दिखाया था, फिर से दिखाता हूं। देखिए ये मनुष्य के द्वारा नहीं बनाया गया है दोस्त, देखिए
ये प्रकृति के रूप से ही रगड़ रगड़ के नुकीला हो गया, और ये जब नुकीला होता गया तो मनुष्य यहां पर देखिए इसका प्रयोग किसमें करने लगा, शिकार पर, देख रहे हैं, शिकार पर। और शिकार पर इसका जब प्रयोग करेगा तो शिकार मरेगा और वो कच्चा मांस खाना स्टार्ट करेगा, और जब वो कच्चा मांस खाना स्टार्ट कर देगा तो धीरे धीरे फिर वो आपको मांस को पकाना चालू करेगा, और जब वो मांस को पकाना चालू करेगा तो धीरे धीरे वो कृषि एक जगह स्थायी जीवन में व्यतीत करना प्रारंभ कर देगा। यही रीजन है कि जो पुरापाषाण काल है उसको हम तीन भागों में बांटे हैं, और जिसका पहला भाग जो आता है वो कौन सा है, निम्न पुरापाषाण काल। क्या है, निम्न पुरापाषाण काल। तो निम्न पुरापाषाण काल जो है इसकी खोज सबसे पहले, थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि 1863 में पल्लवरम नामक स्थान से रॉबर्ट ब्रूस फुट ने सबसे पहले क्लीवर खोजा। उसके बाद उनके सहयोगी के साथ मिलकर, एनजी रंग नाम था, उन सहयोगियों के साथ मिलकर अतिरपक्कम नामक स्थान से उन्होंने हैंड एक्स या हस्त कुठार खोजा। उसके बाद बदुमरे नामक स्थान से भी हैंड एक्स, क्लीवर ये चीजें पाई गई। तो ये जो तीनों चीजें जो पाई गई ये एक ही स्थान से पाई जा रही हैं, और ये जो स्थान से पाई जा रही वो किसी न किसी नदी के किनारे पाई जा रही हैं। तो यही से शुरुआत हो जाती है हमारे किसके, निम्न पुरापाषाण काल के। ठीक, तो कहां से ये सारी जो चीजें पाई गई, ये कोर्तलयार नदी के किनारे पाई गई। ये सवाल आपको ऐसा आएगा कि निम्न में से पुरापाषाण कालीन कौन कौन सा स्थल कोर्तलयार नदी के किनारे है, तो आपका आंसर हो जाएगा अतिरपक्कम, पल्लवरम, बदुमरे। ठीक, और चूंकि सबसे पहले यहां पर ज्यादा मात्रा में हैंड एक्स पाया गया, इसीलिए इस दक्षिण भारत की संस्कृति को हम हैंड एक्स संस्कृति के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो निम्न पुरापाषाण काल में सबसे पहले क्या हुआ था कि 1863 में रॉबर्ट ब्रूस ने पल्लवरम नामक स्थान से क्लीवर खोजा था। ठीक, उसके बाद एल किंग ने, जो कि इनके सहयोगी थे, एल किंग ने अतिरपक्कम नामक स्थान से हैंड एक्स खोजा था, और इसी प्रकार के जो है वो बदुमरे नामक स्थान से भी हैंड एक्स पाया गया था। ठीक, तो देखिए हैंड एक्स की अधिकता के कारण, इसे हम किस नाम से जानते हैं, हैंड एक्स संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। किस संस्कृति के नाम से जाना जाता है, हैंड एक्स संस्कृति। और जो सबसे बड़ी खास बात है, आपको प्रैक्टिस कराएंगे ऐसे सॉल्व पड़ेगा, पल्लवरम, अतिरपक्कम और बदुमरे, ये सब जो है ये तीनों किस नदी किनारे हैं, ये तीनों कोर्तलयार नदी के किनारे हैं। खोज चालू हो गई भारत में। ठीक है, ये हैंड वैंड एक्स जो आप सोच रहे हो कैसे था ना, ये ऐसे ही था, यहाँ देखिए, मतलब हाथ की कुल्हाड़ी। ठीक, यहां पे देखिए ऐसे इसी प्रकार के थे। तो निम्न पुरापाषाण कालीन जो सबसे पहला स्थल मिला वो कहां मिला, चेन्नई में। उत्तर भारत में भी कई सारे
निम्नपुरा पाषाणकालीन स्थल मिले और वो सारे स्थल सोहन नदी के किनारे पाए गए, इसीलिए उसको सोहन संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, इसको लिखिए फिर और बताते हैं। देखिए पढ़िए, देखिए उत्तर भारत में जो निम्नपुरा पाषाणकालीन स्थल थे, ठीक है, वहां से जो औजार मिले वो मिले क्लीवर, ठीक है, हैंड एक्स, चापर, चापिंग। चूंकि यहां से चापर और चापिंग ज्यादा मात्रा में पाए गए, इसीलिए सोहन नदी सिंधु की छोटी सहायक नदी है, इसीलिए यहां की चीजों को चापर चापिंग संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। इसको सबसे पहले वीएन वाडिया ने खोजा था और वीएन वाडिया के बाद फिर क्या हुआ कि एक दल आया था यूरोप से जिसमें पीटरसन थे, उन्होंने इस नदी के किनारे बहुत ज्यादा खोज की और 5 वेदिकाओं का पता लगाया। कहने का मतलब सोहन नदी के किनारे से जो औजार पाए गए हैं वो तीनों काल के पाए गए हैं, निम्नपुरा पाषाण काल, मध्यपुरा पाषाण काल और उच्चपुरा पाषाण काल, इसीलिए इसको हम सोहन संस्कृति के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। तो उत्तर भारत में निम्नपुरा पाषाण काल स्थल सोहन नदी घाटी के किनारे से पाए गए हैं। ठीक, और यहां से हैंड एक्स, चापर और चापिंग अधिक मात्रा में पाए गए हैं, इसलिए इसे चापर चापिंग संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक, किस नाम जानते हैं? चापर चापिंग संस्कृति के नाम से। वाडिया ने सर्वप्रथम सोहन घाटी के किनारे इसकी खोज की थी और सोहन घाटी से तीनों अवस्थाओं के औजार पाए गए, इसीलिए इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। तो कभी भी आपसे पूछ दिया गया कि निम्न में से किस काल को सोहन संस्कृति के नाम से जाना जाता है, तो निम्नपुरा पाषाण काल। देखिए पढ़ाना सही है लेकिन मैं लिखाने पे ज्यादा प्रेफर करता हूं ताकि आप नोट्स के साथ पढ़ते रहिए। इसको लिखिए फिर कुछ महत्वपूर्ण स्थल बताते हैं आप। मलकपुर, चौतरा, ठीक है, कलार, ये सब जो है महत्वपूर्ण स्थल है कहां के? सोहन के। इसको लिख लिए होंगे आप लोग, उम्मीद करता हूं। मलकपुर, चौतरा, चौमुख और कलार, सोहन घाटी के प्रमुख निम्नपुरा पाषाणकालीन स्थल है। ठीक,
और याद रखिएगा कि निम्न पुरा जो पूरा पाषाण काल के सबसे ज्यादा औजार सोहन घाटी के किनारे से ही पाए गए हैं। ठीक, सर्वाधिक पूरा पाषाण कालीन औजार सोहन घाटी के किनारे से पाए गए हैं। इसलिए इसे सोहन संस्कृति के नाम से भी जानते हैं। कई लोग क्लास जो देख रहे होंगे कहेंगे कि सर लिखवाइए मत, पढ़ा दीजिए, हम किताब पढ़ लें। मैं आपको इस बात का दावा करता हूं कि किसी एक इतिहास की किताब पढ़कर आप टीजीटी पीजीटी नहीं क्वालिफाई कर सकते, अपनी जिंदगी में क्वालिफाई नहीं कर सकते। उठा लीजिएगा कोई भी किताब, अगर एक किताब में आपको सारी चीजें मिल जाएंगे तो हमें बताइएगा। इसलिए कोई उसकी परफेक्ट किताब नहीं आई है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा नोट्स बना लीजिए जो आपकी जिंदगी भर आपके लिए क्या हो, आवश्यक हो। ठीक है, यही नहीं, 1982 में अरुण सोनकिया ने यह भी निम्न पुरा पाषाण काल का ही है, अरुण सोनकिया ने मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से मानव की प्राचीनतम खोपड़ी खोजी थी और ये नर्मदा नदी के घाटी के किनारे है। आपसे पूछा जाता है कि मनुष्य या मानव का प्राचीनतम साक्ष्य कहां से पाया गया। ये सवाल आप देखेंगे दो कई बार आया हुआ है, चाहे यूजीसी नेट जेआरएफ में हो चाहे कई बार आया है कि प्राचीनतम मानव के साक्ष्य कहां से पाए गए, तो नर्मदा नदी घाटी के किनारे पाए गए। अगर स्थान पूछ लेगा तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले से पाए गए हैं और इसकी खोज किसने की है, अरुण सोनकिया ने। इतनी बातों को लिखिए, फिर एक बात मैं आपको अपनी तरफ से बताता हूं। सबसे बड़ा सवाल दिमाग में अब ये आना चाहिए कि सर ये बताइए कि जब सोहन नदी घाटी के किनारे से तीनों अवस्थाओं के औजार पाए गए तो हमें पता कैसे चला कि यहां से निम्न पुरा पाषाण के भी पाए गए हैं। तो कोई ना कोई एक ऐसा स्थान होगा जहां पर वो उत्तर और दक्षिण का मिलन स्थल होगा, जहां से ये निष्कर्ष निकलेगा कि यहां पर निम्न पुरा पाषाण काल के दक्षिण भारत के लोग भी आए थे। मिलन स्थल जैसे महावीर स्वामी गौतम बुद्ध कहां मिले थे, तो राजगिरी में। सेम चीज मैं आपसे कह रहा हूं, ये आपके टीजीटी पीजीटी के सवाल है एकदम डीप जाकर। तो जो बेलन घाट सोहन घाटी जो है, सोहन नदी घाटी पर एक स्थान है चौतरा, अभी लिखा है पीछे। तो चौतरा जो है कहा जाता है कि वो निम्न पुरा पाषाण कालीन दक्षिण और उत्तर भारत का मिलन स्थल है, क्योंकि सबसे पहले यहीं से दक्षिण भारत का हैंड एक्स और उत्तर भारत का पेबुल और चॉपर और चॉपिंग पाया गया। सबसे पहले मतलब क्या, वो तो सबसे पहले पलवर में खोजा गया, दूसरी चीज है जब सोहन में खोजा गया तो वहां, क्योंकि हैंड एक्स उत्तर भारत में ज्यादा नहीं मिला, उत्तर भारत में पेबुल और चॉपर चॉपिंग ज्यादा मिली, लेकिन दक्षिण भारत में हैंड एक्स ज्यादा पाया गया। तो हैंड एक्स चौतरा से भी पाया गया है, तो इसीलिए इतिहासकारों ने यह निष्कर्ष निकाला कि जो चौतरा है वो निम्न पुरा पाषाण काल के उत्तर और दक्षिण भारत का मिलन स्थल है। तो कभी भी आपसे पूछ दिया गया कि निम्न पुरा पाषाण काल में उत्तर भारत और दक्षिण भारत के मिलन स्थल किसको माना गया, तो सोहन नदी किनारे कौन सा है, वो कौन सा है, चौतरा। तो निम्न पुरा पाषाण कालीन के दक्षिण भारत
और उत्तर भारत का मिलन स्थल चौतरा है, क्योंकि यहीं से सर्वप्रथम, ऐसे ही नोट्स बनाइएगा, यहीं से सर्वप्रथम दक्षिण भारत का हैंड एक्स और उत्तर भारत का पेबुल चापर और चापिंग पाया गया है। क्लियर, लिख लीजिए इसको फट से। इसी को आधार बनाकर डी टेरा ने माना है कि दक्षिण भारत के जो लोग होंगे वो चलकर उत्तर भारत में आए होंगे और यहाँ पर हैंड एक्स लेके आए होंगे, हैंड एक्स को से ये परिचित हुए होंगे। तो ये मान्यता जो है पूरी किसकी है, डी टेरा की। तो इनका मिलन स्थल कौन सा है, चौतरा है। और इस समय जो पत्थर बनते थे वो कॉटाइज पत्थर होते थे, आपको पता है नदियों में जो पत्थर पाए जाते हैं कौन से होते हैं, कॉटाइज पत्थर। इसको लिख लीजिएगा। तो आज की क्लास में इतना ही दोस्तों, इसको नोट्स पर अब आप जब इसको क्लास के बाद, हो सकता है क्लास बोरिंग लगी हो आपको, लेकिन क्लास पढ़ते हो जब आप ये नोट्स बनाएंगे और उसके बाद एक बार नजर मारेंगे और अपने अनसॉल्व पेपर उठाएंगे, तब आपको पता चलेगा कितनी चीजें एक्स्ट्रा मिली हैं आपको। कभी भी देखिए, हम जानते हैं इसकी किताब आती है, हम लोग पढ़ाने के पहले सारी पढ़ते हैं, ठीक है, हम ऑलरेडी नेट ज्यादा पहले ही पढ़ा चुके हैं। तो रीजन क्या है कि कभी भी हमें क्या होता है कि नोट्स को हम ज्यादा प्रेफर करना चाहिए। जब भी किसी भी टॉपर से आप बातचीत करेंगे तो आपका टॉपर यही कहेगा कि यार नोट्स बनाने में प्रेफर करो, किताब नहीं। एक किताब में सारा ज्ञान आपको नहीं मिलेगा, आप 10 किताबें मत पढ़िए, आप सिर्फ मेरे साथ नोट्स बनाइए, 10 किताबें पढ़कर मैं आपको नोट्स बनवाऊंगा। यहां तक लिख लीजिएगा, अगली क्लास में हम लोग मध्य पूरा पाषाणकाल, उच्च पूरा पाषाणकाल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सेहत का ध्यान रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।